हेलो एंड वेलकम ऑल, मैं डॉक्टर दीप चोथिया सभी का दी एम्प्रेस के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप में से कुछ लोगों को ये टर्म पता होगा, सुना होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत या फिर पूरा ही नया होगा। थंबनेल में जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में ये वीडियो रहेगा, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ लंबा खींचने वाली नहीं हूँ। आप लोगों को सिर्फ ये बताऊँगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है और उनकी मदद हमें क्यों लेनी है, ये मैं बताऊँगी। क्योंकि जब मैं कभी ये बताती हूँ लोगों को कि यहाँ से हम आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड कर सकते हैं या फिर हमारे पास्ट लाइफ के बारे में जान सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस ही आते हैं कि भाई ये क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है, यानी बोलते हैं कि मेरे सर के ऊपर से जा रहे हैं। तो इसीलिए छोटा सा वीडियो है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इसी नाम का मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, लाइव फ्री रीडिंग्स, रेमेडीज, बहुत कुछ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने आकाशवाणी ये शब्द सुना होगा, आई होप, यानी मैं वैसा अज्यूम कर लेती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने वो सुना है कि आकाशवाणी। आकाशवाणी क्या है? जो आकाश से आती है वाणी, बताया जाता है, मैसेज वहाँ से आता है। जैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होने वाला था, उसके पहले भी आकाशवाणी हुई थी, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले भी आकाशवाणी हुई थी। तो इतना तो सब लोगों को पता होगा। और अगर कुछ लोगों ने पुराने अगर सीरियल्स देखे हैं, धारावाहिक देखे हैं, तो उसमें भी आपने देखा ही होगा। और अगर आप लोगों को बुक्स पढ़ने की आदत है तो उसमें भी लिखा हुआ आपने पाया होगा भी आकाशवाणी क्या है, यानी वो आकाश की माध्यम से हमें मैसेज पहुँचाए जा रहे हैं, यानी कुछ है, एनर्जी है जो हमें हमेशा बताती रहती है, गाइड करती रहती है। आकाशवाणी का मतलब ये है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स इसी बेस पे काम करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी जैसे हमारे बहुत सारे जन्म होते हैं, तो हर एक जन्म का रिकॉर्ड उस बुक में होता है, यानी हर बर्थ में हम लोगों ने क्या क्या किया है, हम कौन थे, हमारा नेचर बिहेवियर क्या था, हमने क्या क्या किया है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, सारी चीज़ें डिटेल में आकाशिक रिकॉर्ड्स में होती है। और जैसे कि हर मनुष्य का जीवन एक बार मिलने के लिए हमें 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है, तब जाके एक मनुष्य का जन्म हमें मिलता है। लेकिन सिर्फ एक बार मनुष्य का जन्म मिलने के बाद में हमारा कर्म खत्म नहीं हो जाता। तो अब सोचिए कि कितनी बार हमारा जन्म होता होगा, कितनी बार 84 लाख योनियाँ हम लोग पार कर कर आ चुके हैं। तो उतने सारे जन्म हो गए, उतने सारे कर्मास हो गए, तो इन सारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में होता है, हमारी सोल की जो बुक है, पुस्तक है, उसमें होता है। और अगर बाकी योनियों को भी छोड़ा जाए तो 4 लाख, सिर्फ 4 लाख मनुष्य योनियाँ होती है। और अगर सिर्फ हम लोग इन 4 लाख योनियों की भी बात करें तो सोचिए हम लोगों का कर्मा कितना होगा, इन 4 लाख योनियों में हम लोगों ने कितना क्या कुछ किया होगा, कैसा कर्मा रहा हुआ, कुछ ना कुछ पेंडिंग बचा ही होगा जो अभी हमें परेशान कर रहा है। जैसे कोई हेल्थ का इशू है, किसी को रिलेशनशिप का इशू है, किसी के पास पैसे नहीं आते हैं, या फिर किसी का घर नहीं हो पाता है, या फिर किसी का चाइल्ड बर्थ का इशू, कुछ ना कुछ होता है। और जब कोई चीज़ सॉल्व नहीं होती है, पहले तो इंसान क्या करता है, छोटी मोटी रेमेडीज ढूंढता है, इधर उधर से कुछ करता है, और उसके मन में होता है कि हाँ भाई बाकियों को रिजल्ट आया है तो मुझे भी आ जाएगा, लेकिन कुछ काम नहीं करता। हेल्थ इश्यू है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होती है, पैसा खर्चा हो रहा है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, वो बीमारी से निजात नहीं मिल रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, रिश्ते बेवजह ख़राब हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत बार होता है ना ऐसे, जैसे कभी कोई स्किन डिजीज़ अगर हो रहा है तो इंसान क्या करता है, हाँ ये स्किन डिजीज़ है ना, तो जाके कोई मेडिकल से या फिर किसी से पूछ के ना कोई क्रीम लोशन लगाएगा और उस पर लगाएगा, और कई बार ठीक होता है, कई बार नहीं होता है। लेकिन स्किन डिजीज कब होता है, जब हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है, तब वो स्किन में दिख रहा है। लेकिन इंसान वो नहीं सोचता, यहाँ पे हो रहा है तो मतलब प्रॉब्लम ही है, यही पे इलाज करना है, रूट कॉज तक इंसान जाता नहीं है। वही चीज़ है आकाशिक रिकॉर्ड्स की,
जो आपका पेंडिंग कर्मा है और उस पेंडिंग कर्मा की वजह से आप जिस किसी भी एरिया में सफ़र कर रहे भुगत रहे हैं, उससे बाहर निकलने के लिए रूट कॉज तक पहुंचने का काम आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं। जैसे हमारे जितने भी जन्म आज तक हुए हैं, सारे कर्मों का लेखा जोखा हमारी सोल की बुक में है, तो वहाँ से आपके अभी जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आकाशिक रीडर कलेक्ट करके आपको बता देता है। अभी हर एक आकाशिक रीडर अलग होता है, लेकिन सब लोगों का मोटिव यही होता है कि जो कोई भी इंसान के पास अपनी प्रॉब्लम लेके जा रहा है उसे सोल्यूशन दे दे, उसके पास लाइफ का पेंडिंग कर्मा उसे बता दे कि उसने क्या किया था और उसकी वजह से अभी वो भुगत रहा है और उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। बहुत सारे रूट कॉजेस आते हैं इसमें, बहुत बार हमारे एंसेस्टर पूर्वजों की इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि अगर पूर्वजों का इशू है तब भी कोई चीज़ जगह पे नहीं रहती है, ट्रैक पे नहीं रहती है, सारी चीज़ें अटक जाती है। तो हर लोगों के अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से हम लोग वो आसानी से जान सकते हैं कि क्या रीज़न है, क्या पेंडिंग है, मेरा कौन सा कर्मा ऐसा पेंडिंग है जिस वजह से अभी मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो आई होप आप लोगों को आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है पता चला होगा, और ये हम लोग किसी भी प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं, ऐसे कोई लिमिटेशंस नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड रीडर ही रीड कर सकता है, क्योंकि उसकी कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स है, तरीके है, और आकाशिक रिकॉर्ड रीडर भी उतना कैपेबल होने की ज़रूरत है, क्योंकि आसान नहीं है कि किसी के सोल के रिकॉर्ड्स किसी को इतनी आसानी से निकाल के दे दे, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स के भी नियम है, तौर तरीके है। कई बार रिकॉर्ड्स ओपन करना बहुत बार मुश्किल होता है आकाशिक रीडर को। अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर उतना कैपेबल नहीं है, उतना वो सात्विक नहीं है, या फिर उसके खुद के कर्माज अच्छे नहीं हैं, तो अगर वो किसी स्पिरिचुअल सोल का रिकॉर्ड ओपन करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, ये भी होता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर भी उतना पावरफुल और स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो आई थिंक आप लोगों को आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग क्या है पता चला होगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। एक बहुत स्पीड से मैंने बताया है ताकि ज़्यादा ये लंबा वीडियो ना हो, लेकिन न्यू ईयर के लिए मैं कुछ खास लेके आ रही हूँ सब लोगों के लिए। आकाशिक रीडर तो पे पोस्ट कर ही दूंगी, यानी फेसबुक पे, यूट्यूब, इंस्टा, हर जगह पे पोस्ट कर दूंगी। तो इसीलिए मैंने बोला आप लोगों को कि हर जगह पे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, आई थिंक जो आपको अभी तक कहीं से नहीं मिली होगी। अब ये वीडियो हिंदी मराठी दोनों में है, तो जो लोग मराठी है तो वो मराठी में वीडियो देख सकते हैं। तो जाने से पहले आप लोगों को दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो, लाइक ज़रूर करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आप लोगों को कोई स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना है तब भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे है। तो तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखिएगा। तमसो मा ज्योतिर्गम्यम, नमस्ते।